पेश है राजस्थान की 6 खास खबरें। राजस्थान के डॉक्टर कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी कर चुके हैं। राज्य सरकार ने इस बारे में भारतीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR से अनुमति मांगी है। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए राज्य में प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी पूरी कर ली गई है। रघु शर्मा ने कहा कि हमारे चिकित्सकों की टीम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और सरकार ने अनुमति के लिए ICMR को लिखा है। अनुमति मिलते ही प्रदेश में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर और जयपुर में 3 मई तक सभी सुनवाई स्थगित कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से 27 अप्रैल को सुनवाई के लिए गठित सभी बेंचों को रद्द कर दिया गया है। शुक्रवार को जोधपुर के हाईकोर्ट के एक रीडर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह आदेश जारी हुआ है। जोधपुर एवं जयपुर हाईकोर्ट परिसरों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अति आवश्यक प्रकरण होने पर विशेष अनुमति से ही सुनवाई हो सकेगी। ऐसे प्रकरण की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश अलग से बेंच का गठन करेंगे। झालावाड़ और भरतपुर जिलों में आज हुए सड़क हादसों में 4 जनों की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। मिली जानकारी के अनुसार झालावाड़ जिले में उनहेल थाना क्षेत्र के चिड़ी गांव में बाइक फिसलने से एक महिला की मौत हो गई तथा उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी प्रकार भरतपुर के बयाना के पास भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक और स्कॉर्पियो में भिड़ंत हो गई। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। आज अजमेर में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी के समय तेज धूप भी खिली हुई थी। बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई है। बूंदी और जैसलमेर जिलों में खेतों में आज लगी आग से फसलें जलकर खाक हो गई। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के अनंतपुरा और रंगराजपुरा के खेतों में लगी आग से गेहूं की फसल जल गई है। वहीं जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के धोलिया गांव में आग से गेहूं और जीरे की फसल जलकर राख हो गई। धौलपुर जिले में लालपुर के राजकीय विद्यालय में तैनात शिक्षक ने आज फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार संजय कुमार नामक मृतक इस स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।